गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मजा आता है आने में, और यस अपना सर सारी सारी चीजें जो है सीरियली टाइम वाइज हो जाती हैं। घर में उतना अच्छा नहीं होता, वैसे कृष्णा का तो हो जाता है। कृष्णा बिल्कुल रेडी रहता है यूनिफॉर्म पहन के, और ये बहुत अच्छी बात है। कृष्णा एक अलग फीलिंग आती है, आप देखना घर की यस ड्रेस में और स्कूल की यूनिफॉर्म में द फीलिंग इज डिफरेंट। सर एकदम ऐसा लगता है स्कूल में। सर आप हाँ, अपने को मजा, एक एक माइंडसेट हो जाता है। यस सर स्कूल अभी कोई रीओपन नहीं होंगे, कोई रीओपन नहीं होंगे बेटा, अभी तो पीक वापस पीक आएगा सेकंड का, बहुत मुश्किल चल रही है अभी। तो सर आप लोग वैक्सीन तो ये बन गई ना? अरे कहाँ बन गई यार, मार्च अभी से नहीं पहले बेटा, नहीं कृष्णा मिलेगी। बता अरे रहा था, कृष्णा अभी नहीं, बता और रहा था। अभी तीन चार देखो कंपनी ने मार्च बोला है कि 90-95% उनकी वैक्सीन वर्क करेगी, फिर उनका 2021 में आएगी। उनका क्या हो रहा है, थर्ड ट्रायल, थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है। थर्ड फेज के यस सर ट्रायल के बाद ही रिजल्ट आएगा, तब देंगे। और कोई जरूरी है, अपने को ही मिल जाएगी। कितने लोग सर हैं पूरी सर दुनिया इतनी में, जल्दी तो नहीं आई सर वैक्सीन, और फिर टाइम तो उसको लगेगा सर। स्टोरेज स्टोरेज करना पड़ता है -7 डिग्री सर से, पहले आप समझिए। डॉक्टर्स और पुलिस वालों को मिलेगी, नॉर्मल लोगों को बाद में मिलेगी। हाँ तो ठीक भी है, उन्हीं को मिलनी चाहिए, जो लोग बचा रहे हैं हमें, पहले उनको मिलना चाहिए फिर हमें यस मिलना चाहिए। सही बात है। मेरा तो मानना है पहले डॉक्टर्स और इनको दे दें, फिर स्टूडेंट्स को दे पहले, ताकि एग्जाम में अपियर हो सके वो लोग बिना किसी डर के। यस ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ न्यू यूनिट, एंड दैट इज ग्रेविटेशन। ये थोड़ी जल्दी हो जाएगी इसलिए मैं कर रहा हूं। यू नो वेरी वेल अबाउट मिस्टर न्यूटन, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन हैज गिवन, अरे ये क्या हो गया, तो बहुत बढ़िया पेन था। अरे यार गलत में इंक डाल दी। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, न्यूटन ने एक लॉ दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू नो वेरी वेल ही वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री, और एप्पल फॉल ऑन हिज हेड एंड देन एवरीथिंग चेंज। और उसके बाद न्यूटन ने धमाका मचा दिया। तो क्या किया न्यूटन पे, न्यूटन ने सोचा सर कि ये ये एप्पल ऊपर वाली क्यों नहीं स्टोरी गया। रियल है कि ऐसी है? रियल है, रियल है, रियल है, ये रियल रियल है। सो दिस इज सपोज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, इट्स मास इज एम वन एंड इट्स मास इज एम वन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज आर। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट नॉट रिपल, विथ ए फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स अपॉन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड इफ यू कंबाइन दैम देन F is proportional m1 m2 upon r square. So we have to write here one constant, that is capital M g, m1 m2 upon r square, and g is called universal gravitational constant.
उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं इसका स्टेटमेंट बताता हूँ आपको, पहले स्टेटमेंट लिखिए। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, ये मत लिखो, अच्छा नहीं लगा है, सॉरी है। इट स्टेट्स दैट ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स अट्रैक्शन तो पहले ही बोल दिया, विथ ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। यार वही कर रहा हूँ यार, तुम मेरे को पता था तुम यही बोलने वाले हो, उसके पहले ही कर दिया मैंने। ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स attracts every other body with a force called force of gravitation, full stop। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? Yes sir, लिख लिया। This force is directly proportional to the product of their masses. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance along a line joining their centers, inversely proportional to the square of the distance between the two bodies along a line joining their centers is called, ठीक है, that is, ये देखो, F directly proportional M1 M2, F inversely proportional R square, अभी बताया, on combining F proportional M1 M2 upon R square, F equal to G M1 M2 upon R square, where G is universal gravitational constant. And why it is called universal gravitational constant? Because its value is constant everywhere in the universe. It is independent of the medium also. And you know very well, the whole universe is made up of the stars. They made up of only due to force of gravitation on the hydrogen and helium clouds, they come close together, and after that nuclear fission start, and then a star is there. And stars, they are also taking birth like us, then they become young, shaadi nahi hoti unki. And after that, they become old and die out. Then they die out. और हमारा सन भी मरेगा, लेकिन उसको मरने में बहुत टाइम है अभी. Millions of years are there. So this is force of gravitation. स्टार मरता है तो ब्लैक होल बन जाता है. हाँ, कोई ब्लैक होल बनता है किसी से? नहीं सर, बहुत बड़ा स्टार होता है तो होता है ऐसा. Actually, if their mass is comparable to the mass of the sun, then something different happens. उसका कवच जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, रेड जायंट फेज में आ जाएगा, एंड हमारा सन भी क्या करेगा, मर्क्यूरी और हमको भी निगल लेगा अपने अंदर. तो वो एक अलग डिफरेंट बात है, वो बाद में करेंगे. नाउ इफ somebody इज आस्किंग व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, देन यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर ऑल्सो. कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, if we are going to find dimensional formula, g is equal to
एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू एफ मास इंटू एक्सेलरेशन दिस इज एल स्क्वायर देन एम वन एम टू यानी एम 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 तो ये एम ऊपर गया एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री एंड टी की पावर माइनस टू याद है मैंने बताया था 1 3 2 वन टू थ्री नहीं होता ये 1 3 2 होता है करेक्ट इसका एक फोटो खींचना चाहो तो खींच सकते हो Now, I am discussing gravitation and we have two types of force here. The first force already I have discussed with you, that is force of gravitation. So, force of gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. कोई भी दो बॉडी आप इफ यू आर मूविंग ऑन द रोड सपोज सम एनिमल इज देयर सम बाइक इज देयर सम पर्सन इज देयर यू हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स और अगर ये स्ट्रांग होता तो आप समझ सकते हैं आप जाते जाते ही कोई हाथी जा रहा है उससे चिपक गए आप वो बोला क्या बात है क्यों आए हो बोले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है किसी की गाड़ी पे ही चिपक गए आपको ऐसा नहीं होता इट मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज वीकर फोर्स स्टिल ड्यू टू ग्रेविटेशन ओनली द लाइफ एग्जिस्ट एवरीथिंग इज ड्यू टू ग्रेविटेशन सो सेकंड इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स एनी टू बॉडीज But you know very well, according to Newton, when apple fall, it comes back to the earth. Upar nahi gaya. So earth ne isko attract kiya. So earth has also a special property of attracting bodies. And still we know that, previously we know that the force of gravitation depends upon mass, more force. Hota hai na, jaise upar se koi patthar fekha, to wo niche kyun aaya? Earth bhi uski taraf jaani chahiye na. सर अर्थ का मास ज्यादा इसलिए अर्थ खींच लेता है हाँ नहीं मास तो है ही लेकिन दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट बट व्हाट हैपेंस इफ मास इज मोर एक्सेलरेशन इज लेस एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ अपॉन एम ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम इफ मास इज मोर एक्सेलरेशन इज लेस It means same force produce more acceleration in the smaller body and less acceleration in the bigger body. It's so smaller body move towards the bigger body. See this is what. Say it, na? So there is another force that is known as sir force of gravity or gravity. हाँ बोलो. Sir जैसे कि आपने बोला कि जिसका ज़्यादा mass होता है तो वो attract करता है. कम मास वाले को सर जैसे कि आपका मास ज्यादा है आपके अकॉर्डिंग आप बोलते हो तो मेरा मास तो कम है तो मेरा मास कम है तो सर तो आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो मुझे देखो हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे घर में जितने लोग हैं जितना सामान है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर बॉडी लेकिन हम उनकी तरफ जा नहीं रहे क्योंकि ये वीक फोर्स है मेरा मास ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आप सोचो मेरा मास अर्थ के कंपैरिजन में तो कम ही होगा इसीलिए मैं आपके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा नहीं तो आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो ये देख के कि वाह कितना प्यारा गोल मटोल टीचर है वो एक अलग बात है लेकिन आप मेरी तरफ खींचे चले आओ ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम सबको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है एंड वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो हमारा आपस का फोर्स तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गया ओके नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी लिखो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, और एक चीज और, अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, सेंटर पे नहीं, बिकॉज एट सेंटर ग्रेविटी इज जीरो। तो मैं आपको एक लाइन और लिखवाता हूं, अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी बॉडी विथ ए फोर्स, अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी बॉडी विथ ए फोर्स towards a point near its center, full stop. This force is called force of gravity or gravity. This is called force of gravity or gravity. कुछ भी बोल सकते हैं, gravity बोलो मतलब force of gravity है. Okay, you are getting my point now. So we have to find what is force of gravity. So what? So why is g mm upon r square, distance ka square? But you know very well. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि when force is there, always force produces acceleration. So this force of gravity also produces acceleration in the body. तभी तो वो नीचे आता है तेजी से. And that acceleration is known as acceleration due to gravity. फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूसेस, स्मॉल जी, उसकी डायमेंशन यूनिट सब सेम होगी, बट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर, बट वी हैव टू फाइंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, तो वो आपको बताता हूँ, वैसे ही आपके कोर्स से हट गया अभी, तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बताने वाला हूँ, तो लिखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर बोर्ड पे लिखवा दीजिए ना, हाँ हाँ लिखवा रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख तो सही, इतना तो लिख यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको कहते हैं स्मॉल जी, ओके, तो लिखो, the acceleration produced in a body, the acceleration produced in a body due to force of gravity, the acceleration produced in a body due to force of gravity is called acceleration due to gravity. It is given by g equal to g m upon r square, that is a constant, that is 9.8 meter per second square, and dimension is ml, अरे नहीं m कहाँ से आ गया, acceleration में lt minus 2, where g you know very well, universal gravitational constant, capital M is mass of earth, या planet भी कर सकते हैं, क्यों planet, अरे भाई हो सकता है किसी और planet पे चले जाओ, कि हमको विजयनगर में अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो moon पे जाके रहेंगे, या हम Jupiter पे रहेंगे जो सबसे बड़ा planet है, और आप देखते ही हैं कार्टून में तो बहुत सारे लोग दूसरे प्लेनेट से आ जाते हैं, क्रिकेट मैच करते हैं, और आजकल तो वो मेरे पास आ नहीं रहा है, सोनी ओए आता है उसके अंदर, वो आता था अपना हनी बनी, सर मैं देखता हूँ ना, अरे आजकल आ ही नहीं रहा यार, एक महीना हो गया मेरे चैनल वाले ने बंद कर दिया, सोनी पल पे आता है, अरे वो सब पुराने एपिसोड दिखाते हैं वो, सर मैच्योरिटी लेवल देख रहे हो, सर सबका मैच्योरिटी लेवल देख रहे हो, क्यों कैसे कैसे सर, मतलब कार्टून डिस्कस कर रहे हैं, ना ना ना, एक बात आपको बताता हूँ आज मैं, देखो हमें जीवन में मैच्योर तो होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं मरने देना चाहिए,
बच्चा ही है जो बिना किसी बात के खुश रह सकता है और जीवन सर वो सही समय पे करना चाहिए मेरी बात तो सही समय पे मैच्योर हाँ हाँ मतलब आप मैच्योर हो लेकिन आप मैच्योरिटी दिखाओ जिस प्लेस पे मैच्योरिटी दिखानी है लेकिन अपने अंदर की खुशी को रखो बरकरार जैसे अगर आप मान लीजिए कार्टून देखते हैं तो आप कई बार देखते हैं कि कार्टून नेटवर्क में जो चीजें उसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हमें या हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी आती है कि किस चीज को कैसे कर सकते हैं किस चीज को कैसे कर सकते हैं तो आप ये बिल्कुल मत बोलो कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कार्टून देख रहा है या बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो वो मैच्योर नहीं हुए मैं नहीं मानता लेकिन हाँ सर उसके अबे मुझे भी तो बोलने दे उसके पीछे दीवानापन जो है वो पागलपन जो है वो गलत है हर चीज की डोरेमोन देख के फिर लगता है कि डोरेमोन का ही गैजेट बनाओ नहीं तो अब डोरेमोन जब बचपन में थे तब अच्छा लगता था जब बच्चे छोटे थे तब बच्चों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा अच्छा लगता था लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं अब उनको कोई बोलता है क्यों तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेगा तो चिल्लाने लगते हैं ए हम नहीं देखते हैं हम डोरेमोन नहीं देखते तब नाराज हो जाते हैं मम्मी पापा से और बाद में तो साले बाथरूम करने भी नहीं जाते थे पहले बैठ जाते थे सामने हर चीज का समय होता है और आप कभी भी गलत महसूस मत करो कि तुम कार्टून देखते हो मैं भी कई बार देखता हूँ और उससे वाकई में कई बार मुझे भी बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा कि यार जीवन में खुशी गायब हो गई है तो खुशी मतलब कोई लड़की का नाम नहीं बोल रहा मैं खुशी मतलब प्रसन्नता तो वो तभी आएगी जब आप खुश रहोगे खुश रहने के लिए आप कुछ भी करो जिससे आपको खुशी मिलती हो मैं ये नहीं बोल रहा कि कार्टून देखो नहीं तो बाद में घर पे बोलोगे वो मोटा हमको बोलता है कार्टून देखो नहीं सर मैं भी ये नहीं बोल रहा था सर मैं भी देखता हूं तो कार्टून घर वाले बोलेंगे इसलिए हम लोग फीस नहीं भरते कि ये लोग पढ़ा तो रहे नहीं और कार्टून दिखा रहे तुमको खैर हम यहाँ आ जाते हैं या आई एम नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फार्मूला इज जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट अराउंड 10^24 होता है 6×5×10^10 आर इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर तो ये पूरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट आप मुझे ऊपर से फेंको या अंश को फेंको दोनों पे ग्रेविटी सेम लगेगी दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे जमीन पे सर एक डाउट था सर जैसे आपने बोला मास ऑफ अर्थ या प्लैनेट सेम होता है तो सर पर अलग अलग प्लैनेट्स या उनका तो मास छोटा बड़ा हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है ना हाँ तो वो उनके अकॉर्डिंगली लेंगे ना उनके अकॉर्डिंगली ग्रेविटी भी बदल जाएगी लेकिन उस प्लैनेट पे वो ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स रहेगी जैसे जैसे मून है तो मून का मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का g/6 है तो वो g/6 है क्योंकि उसका मास और रेडियस कम है लेकिन जी की वैल्यू वहां फिक्स है तो जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट बट फॉर दैट प्लैनेट द वैल्यू ऑफ जी इज फिक्स्ड नाउ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 m/s² बट वेदर इफ वी आर मूविंग अपवर्ड और इफ वी आर मूविंग इनसाइड द अर्थ इज देयर एनी चेंज इन एनी वेरिएशन और अगर हमको अर्थ के बाहर जाना है तो क्या होगा जैसे आप पत्थर फेंकते हो पत्थर ऐसे फेंका आपने तो वो उछल के आता है और किसी और के सिर पर टन में से बचता है तो आप सोचते हो मैं ऐसा पत्थर फेंकूंगा जो वापस ही ना आए तो वो कब नहीं आएगा व्हेन यू थ्रो इट विथ ए स्पीड सच दैट इट कैन क्रॉस द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड ऑफ अर्थ वो एस्केप वेलोसिटी है तो अर्थ की ग्रेविटी कहीं ना कहीं जाके जीरो हो रही होगी कहीं ना कहीं और अगर आप मुझे गाड़ दो अर्थ के अंदर सेंटर में पहुंचा दो तो मेरा वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी सेंटर पे जीरो है एंड वेट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटी ये वाली याद रखना आप वेट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट ए फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टूवर्ड्स ए पॉइंट नियर द सेंटर तो जितने फोर्स से अर्थ हमको खींचेगी उतने फोर्स से हम अर्थ को खींचेंगे तो हमारा उतना वेट होगा तो वेट इज गिवन बाय एफ या डब्ल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन
But here acceleration is g. So this is weight of a body. हमेशा याद रखना बच्चों. It means due to gravity, weight changes, but there is no change in the mass of the body. Mass is quantity contained in a body. मेरे अंदर जितना सामान है वो रहेगा, चाहे ग्रेविटी कम हो या ज्यादा. इसलिए मेरा मास नहीं बदलेगा. क्या बदलेगा? मेरा वेट बदल सकता है. वेट चेंज होगा सर, मास मतलब सेम रहता है. हाँ, मास नहीं बदलता कभी भी. ओके बच्चों, लिख लिया ये? मिटा दूँ? यस सर. तो खींचना है? यस सर, लिख लिया. खींच लो. यस सर. तो ले ले, है ना, मेरा मत लेना कभी भी. ले 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 ली. ले लेना. कई बच्चे मजे करते रहते हैं मेरे, फोटो खींच लेते हैं कभी भी किसी भी तरीके से और फिर डाल सकते हैं उसको. ये ऑनलाइन का नुकसान भी है, फायदा भी है ना. जैसे ऑनलाइन ने एक चीज तो है, हमें दूर भी किया है और करीब भी किया है. Yes, two sides of a coin. देखो, टू फेसेट्स ऑफ ए कॉइन. जब बच्चे मुझे दिखाई देते हैं तो वो मेरे करीब हो जाते हैं, और जो बच्चे बुर्का पहन के बैठते हैं वो मेरे दिल से दूर होते जाते हैं, और उनको प्रैक्टिकल में नुकसान होता है क्योंकि मैं उनको पहचानता ही नहीं हूँ. तो फिर मैं उनको नंबर ज्यादा देता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं उनको नहीं पहचानता, मुझे पता ही नहीं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे. इसीलिए ये ध्यान रखो, देयर शुड बी अ बॉन्डिंग बिटवीन अ टीचर एंड दी स्टूडेंट्स. तो कोशिश करो बुरका कम से कम पहनो आप. देखो अब अमन तुरंत अपना बुरका उतार के आ गया. देखो वेरी गुड बेटा. क्या होता है, तुम सामने होते हो तो लगता है मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लगता ही नहीं है. चालू करके तुम कहाँ टॉयलेट में जाके बैठे हो मुझे क्या पता, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, नीचे सब्जी खरीद रहे हो, मुझे मालूम ही नहीं. सो वेरिएशन इन जी, जी की वैल्यू में चेंज होता है. क्या कैसे होता है? नंबर वन, ड्यू टू, अरे यार डट लिख दिया. ड्यू टू एल्टीट्यूड और हाइट. एल्टीट्यूड को हाइट कहते हैं. कि अगर आप जो है, अपन अभी सरफेस पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर नहीं हम लोग, अर्थ के सरफेस से, जैसे बॉल होती है बॉल के सरफेस पे, पर अर्थ इतनी बड़ी है कि वी आर फीलिंग दैट इट इज ए प्लेन सरफेस. तब ये प्लेन नहीं है, सर्कुलर स्फेरिकल है. तो आपने मुझे उठा लिया सबने ऐसे, और ऐसे उठाए जा रहे हो, और फिर मेरे से पूछा कि सर क्या हाल है ग्रेविटी के, तो मैं बताऊंगा बेटा ग्रेविटी कम होती जा रही है. तो आप बच्चे बोलेंगे प्रूव करके बताइए. तो मैंने कहा चलिए. तो सर कभी तो पहाड़ी इलाके पे जाते तो ग्रेविटी कम हो जाती है. हाँ वेरी नाइस, वहां पर बॉल ज्यादा बाउंस होती है और प्लेन में बॉल कम बाउंस होती है क्योंकि वहां ग्रेविटी कम होती है. तो देखिए ये सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, एंड सपोज आई एम सिटिंग हियर ऑन ए चेयर एट पॉइंट ए, माय मास इज एम एंड ग्रेविटी इज जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर. एंड नाउ बॉडी इज रेज्ड अप टू हाइट एच अप टू पॉइंट बी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? देखो अब टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस एच, एंड एट पॉइंट बी मास इज सेम बट ग्रेविटी इज नाउ जी एच की जी डैश. क्या पसंद है आपको सर? जी एच सही रहता है क्योंकि बाद में भी दिक्कत देगा. तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है हमेशा. कंसीडर a body of mass m at point A on the surface of earth. ठीक है, at point A G equal to GM upon R square. This is equation number one. Okay. एक मिनट है, आ रहा हूँ.
एक्चुअली क्या होता है कि टीचर एक माँ और पिताजी की तरह होता है, कि बच्चे का पेट भरा हो या नहीं तो भी माँ बाप चाहते हैं कि इसको नाश्ता मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, पूछते जरूर है। आप भले ही मना करो, बोल दिया ना नहीं खाना है, बार बार पूछते हो, फिर भी बेचारे माँ बाप पूछते हैं आपसे। तो हम भी ऐसे ही है आपके लिए। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, सो जी एच अपॉन जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम जी एम जी एम जी एम। तो जी एच अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। विद दिस वी कैन कैलकुलेट जी एच, बट दिस इक्वेशन वी कैन यूज व्हेन एच इज कंपेरेबल टू द आर। इट मीन्स हाइट शुड बी कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। Suppose height is very less, 5 kilometer, 10 kilometer, then we are not going to use this formula because radius of earth is 6400 kilometer. So, kam se kam 1000 ke upar to ho bhai, tabhi hum isko use karenge. So, this formula is used when h is comparable to the radius of earth. When h is comparable to the radius of earth. Okay. But suppose height is very less, तो क्या होगा? तो हम वो भी करेंगे. If h is less than r, then gh upon g equal to r square, and from here r square I am taking out common, so we have a 1 plus h upon r ka square. Chal bhai, so gh upon g equal to 1 plus h upon r ki power minus 2, and now I have to open the bracket. And you all are the mathematics genius, so you know very well ki here I am going to use binomial theorem. So maine aapko likhwai thi, nahi likhwai to koi baat nahi. From binomial theorem hoti hai 1 plus x ki power minus n is 1 minus nx. This is the theorem. It means if first term is 1, then if you want to open the bracket, so multiply second term with the power 1 minus nx. Therefore, gh equal to g 1 minus 2h upon r. gh equal to g into 1 minus 2h upon r. Clearly, if h increases, gh decreases. Gravity कम आएगी. क्यों कम आएगी? Because ये क्या हो गया, देखिए, divided by r, r is a large quantity, तो आपका answer point में आएगा, and when point term, fractional term is multiplied with g, then gravity decreases. So percentage decrease in gravity or weight is equal to weight due to height equal to, direct formula बता रहा हूं, 2h upon r into 100%. और दूसरा फार्मूला एक और होगा, वो वाला आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर इंटू 100%. ओके, तो वी नो वेरी वेल नाउ
if height increases, then gravity decreases. Gravity decreases means weight also decreases. And a position, a point will come when gravity becomes zero, weight becomes zero. वो point और वो position जरूर आएगी. आ रहा है बच्चों समझ में? Yes, sir. सर ये जो left में लिखा है वो एक बार वापस बता देंगे.